आपको कपिल धारा वाटरफॉल के जो उधर आप आगे एंड पॉइंट जो आओगे यहाँ पे आके देख सकते हो कि बाहर का नज़ारा कैसा होगा। पूरा ग्रीनरी दिख रहा है, पीछे साइड देख रहे हो पूरा जंगल है और बहुत ही बड़ा खाई है पूरा। और ये दोस्तों ये आप यहाँ के यहाँ का बाहर का सुबह देख सकते हो। तो मैं यहीं पर आया हूँ, बाहर जो ग्रीनरी पहाड़ है पूरा, और यहाँ पे नीचे आप लोग देख पाओगे यहाँ पे वाटरफॉल है, यहीं का नीचे जाके यहाँ का नज़ारा हम लोग अभी देखते हैं। जैसे दोस्तों पानी आया है, पानी जो यहाँ का है कपिल धारा वाटरफॉल का यहीं से आया है, आप लोग को ये पुल पार करना होगा और यहीं के पानी दोस्तों आगे जाते जाते आप लोग को दिखाता हूँ। ये नीचे आगे गया है और आगे दोस्तों वो लास्ट है, जहाँ तक आप लोग देख रहे हो वही लास्ट जगह है और वहीं से ही दोस्तों नीचे बहुत बड़ा घाई है और वहीं से ही नीचे दोस्तों पानी गिर के एक वाटरफॉल बना है। तो यहीं तक ही दोस्तों जो है ये लास्ट है, इससे आगे आप जाओगे तो आगे जो वाटरफॉल है। तो चलिए दोस्तों नीचे जाते हैं, नीचे का व्यूज कैसा है नीचे से देखते हैं। अभी से ही दोस्तों मेरे को वाटरफॉल दिख गया है, नीचे मैं आ गया हूँ और नीचे से व्यूज में देख लिया हूँ। बहुत अमेजिंग है गाइस, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब आज फीलिंग्स मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी ना आओगे इधर, मैं मतलब आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि यहीं पे अगर आओगे तो ऐसे रेनी टाइम में आओगे तो पानी भी गाइस बहुत तेज है, आप लोग देख रहे होगे पानी का प्रकोप बहुत बढ़ गया है और व्यूज भी बहुत सुंदर दिख रहा है पूरा, बहुत अमेजिंग व्यूज है पूरा। और नीचे मेरे दोस्त लोग भी तो पहुंच गए हैं, ऊपर का व्यूज थोड़ा देखिए गाइस, ऊपर का व्यूज एक बार देखिए और बताना कि कैसा लग रहा है। पानी जो है दोस्तों जो नीचे उठ के फिर भी पानी आ रहा है, इधर तक आ रहा है पानी और ठंडी लग रहा है, तो नीचे जाते हैं गाइस और अमेजिंग वाटरफॉल को हम लोग एंजॉय करते हैं। बहुत ही पत्थर वाला रोड है गाइस, आपको पत्थर पत्थर में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई रूट नहीं है तो थोड़ा डेंजरियस लग रहा है, तो सेफली आप लोग को यहाँ नीचे तक पहुँचना होगा। वाटरफॉल के बेस्ट पॉइंट पर तो मैं आ गया हूँ, यहीं आके जाके नीचे जाते हैं। नीचे अभी नहाने वाले हैं हम लोग, पूरा नहाने का वीडियो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो नीचे जाते हैं गाइस। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो गाइस कपिल धारा का जो व्यूज था आप लोग तो देख लिए, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कपिल धारा से दूध धारा। तो कपिल धारा जो वाटरफॉल है, कपिल धारा वाटरफॉल से आगे ही रोड है, मतलब पैदल जाने का रोड है, जैसे हम लोग अभी निकल रहे हैं तो हम अभी जाएंगे दूध धारा। कितना दूर है यहाँ से आयुष्मान? 1.5 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर लगभग 1500 मीटर की दूर है। कौन 500 मीटर बोला गाइस? में जाके बस 500 मीटर या 1500 मीटर दूध धारा जा रहे हैं। वो पुराना मंदिर का वो देख सकते हो, बहुत लोग आगे जिन लोगों को नहाना है सब यही आके नहा रहे हैं। अंदर देखे तो नीचे पूरा पानी फ्लो थोड़ा कम है, करंट नहीं है, इसलिए नीचे सब लोग नहा रहे हैं। तो चलिए गाइस अंदर जाके आज पूरा नहाते हैं, नहाने का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हम लोग अभी नहा लिए हैं, नहाना खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। तो गाइस बारिश भी हो रहा है, हम लोग नहा रहे थे तब से बारिश शुरू हो गया है, बहुत हो रहा है। अपने भैया लोग तो निकले भी नहीं है अभी तक, और पानी भी गाइस देखो पीछे तरफ, मेरा दिखा देता हूँ ये पीछे तरफ जो वाटरफॉल है, यहीं से पानी भी तेज हो गया है काफ़ी, और बाहर बारिश भी होने लगा है। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि हम लोग अभी निकलेंगे कैसे। अभी निकलने का बारिश हो रहा है, तो हमें अभी IGNTU जाना है अमरकंटक, उसके बाद दोस्तों हम लोग को बिलासपुर के लिए निकलना है। तो बारिश खत्म होगा तभी हम निकल सकते हैं, खाना भी नहीं खाया है। तो फिर भी यहाँ का नज़ारा दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। बारिश भी शुरू हो गया है तो आप लोग देखिए। तो गाइस बारिश बंद नहीं हो रहा है, फिर भी हम लोग आगे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को बिलासपुर पहुंचना है शाम तक, और शाम को दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखना है, इसलिए कहूंगा जोर से। तो दोस्तों बहुत बारिश होने के कारण सब लोग यहाँ पे आके छुप गए हैं, यहाँ पे एक दुकान था तो ऊपर में शेड लगा है इसलिए यहाँ पे रुक गए हैं। तो बहुत लोग भी दोस्तों यहीं पे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं बाहर क्योंकि बारिश बहुत हो रहा है। तो हम लोग को भी बिलासपुर के लिए निकलना है जैसे करके भी, इसीलिए हम भी आ गए। देखते हैं बारिश थोड़ा कम होता है तो हम लोग आगे जाके निकलते हैं। तो बारिश नहीं कमेगा फिर भी हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत सुंदर नज़ारा देख सकते हो गाइस, अमरकंटक उस टाइम में तेजी से पानी आ रहा था। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जितना भी लोग आए थे गाइस सब परेशान में, बारिश के कारण कोई बाहर नहीं जा पा रहे, तो मुझे डर है कि कहीं गिर ना जाए। सो गाइस फाइनली हम लोग नीचे से दूध धारा से ऊपर आ चुके हैं, थक गए गाइस पैदल चल गए, पैंट कपड़ा वपड़ा उधर गीला हो गया सब। फिर अभी जाएंगे, पहले पेट भरती करके खाएंगे पूरा, फिर लाइव आएंगे। तो बारिश के कारण आप पानी देख सकते हो कितना बढ़ गया है पूरा, तो गाइस हो गया आज का ट्रिप। हम लोग अभी कपिलधारा वाटरफॉल गए, दूधधारा वाटरफॉल गए, दोनों वाटरफॉल से पानी में भीगे बाहर आए, वहीं पे खाना खाए, खाना खा के अभी अपना खत्म हो गया है। अब गाइस यहीं से निकल रहे हैं, निकलने का टाइम हो गया है, लेट भी हो गया है, हम लोग 4 बजे रूम पहुँच जाएंगे सोते हैं क्योंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो देखना है। तो अभी 4 बज गया है, कैसे करेंगे नहीं पता, बारिश आगे ना हो बस यही सोच रहे हैं। और केवंची तक तो रास्ता आप लोग को पता है बहुत गंदा रास्ता है केवंची तक, तो चलते हैं गाइस, आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।